गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की जो वनस्पति उसका पार्ट टू। अपन पढ़ेंगे भारत की वनस्पति में जो वनस्पति का वर्गीकरण कहाँ किस प्रकार से है, या प्रशासनिक वनों को किस प्रकार से बांटा गया है, या अपन प्रशासनिक वनों में जो वर्गीकरण है किस प्रकार से किया गया है, या अपन कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे इस अध्याय में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण, जैसे तीन प्रकार से किया गया। वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से किया गया। जैसे अपन बात करते हैं सुरक्षित वन, अपन कह सकते हैं रिजर्व वन, यानी सुरक्षित यानी रिजर्व, यानी ऐसे वन जहां पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो, वहां पर क्या हो, सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो, जहां पर पशु चराना लकड़ी काटना बिल्कुल निषेध हो, यानी वहां पर अपन न पशु चरा सकते हैं न ही अपन वहां से लकड़ी काट कर उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होता है, इस प्रकार के वनों को अपन कहते हैं सुरक्षित वन यानी रिजर्व वन। ये सर्वाधिक महत्व वाले वन है, और ये सर्वाधिक महत्व वाले वन है लगभग भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए। ये जो सुरक्षित वन है भारत में कितने, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए। फिर बात करते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन इसका मतलब होता है सरकार द्वारा इन वनों में, यानी जो सरकार द्वारा इन वनों में पशु चराने यानी वह लकड़ी काटने में थोड़ी छूट देती है, यानी सरकार की अनुमति से अपन इन वनों में पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, या जो जिनके पास में लाइसेंस है, सरकार द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है उनके आधार पर जिनके पास लाइसेंस है वो व्यक्ति यहाँ पर पशु चरा सकते हैं, वो लकड़ी काट सकते हैं यानी उपयोग कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं ये लगभग सुरक्षित वन है संरक्षित, ये लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत में, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। अगली बात करते हैं अपन अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, यानी सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, इस प्रकार के वन जिन पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और जो सड़क के दोनों ओर या सार्वजनिक क्षेत्रों पर या अपन के गली मोहल्ले या जो सार्वजनिक पैलेस है वहां पर जिस प्रकार के वन होते हैं उनको अपन कहते हैं अवर्गीकृत वन। जैसे लकड़ी काटने का कार्य इनमें क्या किया जाता है, सरकार द्वारा ठेकों पर दे दिया जाता है, लकड़ी काटने का कार्य सरकार द्वारा ठेकों पर दे दिया जाता है और उनसे थोड़ा कुछ टैक्स ले लिया जाता है, और उनसे जो इनका उपयोग करते हैं लकड़ी का उनसे टैक्स लेते हैं। ये लगभग भारत के 2 लाख वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर अपन पशु चरा सकते हैं, अपन भी लकड़ी काट सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा जो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, सुरक्षित यानी रिजर्व 5 लाख वर्ग किलोमीटर, और फिर अपन बात करते हैं संरक्षित लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर, और अवर्गीकृत लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी टोटल मिलाकर 10 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। फिर अपन बात करते हैं वनों का एक और वर्गीकरण है जिसमें अपन कहते हैं राजकीय वन, सामुदायिक वन या व्यक्तिगत वन। अब नाम से ही पता है कि राजकीय वन यानी सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, इनकी जो देखभाल है, इनकी सुरक्षा है, इनकी व्यवस्था है, इनका जो प्रशासन है प्रबंधन है वो पूर्णतः कौन करता है, सरकार करती है। तो अपन बात करते हैं ये लगभग भारत में कितने प्रतिशत पर, लगभग 95% पर भारत में जो वन है वो सरकार के अंडर में, उनको अपन राजकीय वन कहते हैं। फिर सामुदायिक वन यानी ऐसे वन जो किसी समुदाय के अंदर, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम या जिला परिषदों के अंडर में आते हैं या उनके उत्तरदायित्व में आते हैं, तो उस प्रकार के वनों को अपन सामुदायिक वन कहते हैं, जिनकी जो देश में लगभग कितने हैं 3%, जिनका संरक्षण प्रबंधन ये कौन करता है, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका या अपन कह सकते हैं नगरीय जो निकाय होते हैं वो उनका नियंत्रण करते हैं। फिर अपन बात करते हैं एक होते हैं व्यक्तिगत वन। अब ये व्यक्तिगत वन यानी जो कोई वन जिन पर सरकार का दायित्व नहीं, सरकार का स्वामित्व नहीं, किसी पर्सनल व्यक्ति का यानी व्यक्तिगत यानी उसके किसी के निजी वन, तो उनमें भी सरकार निजी वनों को भी संरक्षण करने के लिए उनके लिए भी कुछ नीतियां और नियम है, सरकार उनको भी बढ़ावा दे रही है, इस प्रकार के वनों को कहते हैं अपन व्यक्तिगत वन, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है लगभग 2% पर वन।
जिससे अपन में यहाँ 55 हो गया, फिर 10%, फिर 2%, यानी लगभग 100% वन। अब अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वन है जो कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं। जैसे चंदन के वन है, चंदन के वन पाए जाते हैं तमिलनाडु और कर्नाटक, मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में चंदन के वन पाए जाते हैं, जिनसे जैसे सुगंधित अगरबत्तियां हैं या अन्य सुगंधित पवित्र या पूजा योग्य सामग्री बनाई जाती है। फिर बात करते हैं साल के वन, यानी साल, जैसे यूपी है, बिहार है, असम है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में मुख्यतः साल के वन पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं सागवान के वन, सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जो सागवान के वन पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी अपन पूरे भारत यानी देश की बात की जाए तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका आ जाएगा ये छत्तीसगढ़। तीन मुख्य राज्य यानी जहां पर सर्वाधिक वन है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फिर आपके अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है, आपका अरुणाचल प्रदेश है। फिर छत्तीसगढ़। और न्यूनतम वनों में सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम वन कहां पर है, जैसे अपन बात करते हैं हरियाणा, पंजाब और गोवा। हरियाणा है, पंजाब है, गोवा है। देश में प्रतिशत वाला राज्य, यानी कौन से राज्य में सबसे ज्यादा प्रतिशत भौगोलिक राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार देश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, तो वह है मिजोरम। यानी उस राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उनमें सबसे ज्यादा प्रतिशत, यानी उसका जो टोटल प्रतिशत है, टोटल भौगोलिक क्षेत्र है, उसका सर्वाधिक प्रतिशत है वनों वाला मिजोरम। और सर्वाधिक भौगोलिक राज्य क्षेत्रफल का न्यूनतम वन कहां पाए जाते हैं, तो पंजाब। मिजोरम अधिक है प्रतिशत में और पंजाब है न्यूनतम है प्रतिशत में। फिर अपन बात करते हैं कुछ वनों को बचाने के लिए, वनों के संरक्षण के लिए कुछ आंदोलन हुए जिनका सरकार भी उनका समर्थन करती है, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति भी जो पर्यावरण की रक्षा के लिए, वनों की रक्षा के लिए आगे आए, जिनको अपन उनको अपन कह सकते हैं नेतृत्वकर्ता। तो अपन सबसे बात पहले बात करते हैं, एक आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन हुआ था आपके उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था, राज्य का नाम है उत्तराखंड। और इसके जो प्रणेता या नेतृत्वकर्ता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था जो वनों को बचाने के लिए। फिर एक आंदोलन हुआ था अप्पिको आंदोलन, इसको अप्पिको आंदोलन भी कहते हैं। ये हुआ था आपके दक्षिणी भारत में, यानी कर्नाटक, तमिलनाडु या दक्षिणी भारत में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था पांडुरंग ने। किसने किया था, पांडुरंग ने। फिर अपन बात करते हैं खेजड़ली वृक्ष मेला, ये अपन के राजस्थान में जोधपुर का एक गांव है खेजड़ली, वहां पर ये वृक्ष मेला पड़ता है। अब इसकी क्या घटना थोड़ी मैं आपको बता देता हूं कि जो खेजड़ली गांव है जोधपुर के निकट, तो वहां पर 1730 में, 1730 का समय था, वहां जोधपुर के शासक या राजा थे अभय सिंह जी। वहां पर मेहरानगढ़ के निर्माण के लिए जो ईंधन यानी लकड़ी चाहिए थी उनको जलाने के लिए, चूना को पकाने के लिए, तो यहां पर जो खेजड़ली गांव में खेजड़ी को काटने के लिए वहां राजा के सैनिक आए थे, उनको राजा का आदेश था। और इधर गांव वाले थे जो अपनी विश्नोई समाज के लोग जो खेजड़ी को बचाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, वो राजा के आदेश से मजबूर थे। और यहां पर जो पर्यावरण के जो पर्यावरण प्रेमी है, जो वृक्ष प्रेमी है, वो वृक्षों को बचाने के लिए मजबूर, तो उन्होंने राजा के आदेश को सैनिकों को कहने के बाद में सैनिकों ने नहीं रुके, सैनिक उनको नहीं रोक पाए। और सभी जो लोग थे वहां गांव के लगभग 363 महिलाएं और व्यक्ति आदमी, तो उन्होंने वृक्षों को पकड़कर खड़े हो गए, तो राजा के सैनिकों ने उनको वृक्ष सहित काट दिया था। तो ये घटना कहलाती है। और इसका जो मुख्य नेतृत्व करता थी एक महिला थी अमृता देवी विश्नोई, जिसने इसका नेतृत्व किया था खेजड़ली गांव में जो शहीद हुए थे 363 व्यक्ति। 1730 की घटना है, राजा अभय सिंह जी। ये है आपका खेजड़ली मेला, ये 1730 की घटना है, 363 व्यक्ति मारे गए थे, राजा थे अभय सिंह जी और नेतृत्व करता थे, आपको ये याद रखना, अमृता देवी विश्नोई। फिर राजस्थान में वनों के संरक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। एक है रुक भाईला कार्यक्रम,
रूक बाहला कार्यक्रम, रूक अपन मारवाड़ी में कहते हैं पेड़ पौधे को, रूक। फिर अपन एक आता है हरियालो राजस्थान, यानी ग्रीन राजस्थान, हरियालो राजस्थान, ये दो कार्यक्रम चलाए थे। फिर अपन अभी बात करते हैं वन महोत्सव अपन कब मनाते हैं, यानी वर्षा ऋतु कब शुरू होती है। जैसे जुलाई से अपन कहते हैं अपन के यहाँ 15 जुलाई तक राजस्थान में भी प्रवेश कर जाता है, लेकिन मई से अपन को अपन वर्षा ऋतु अपन शुरू हो जाती है लगभग मानसून प्रस्फुट, तो वहां से लगभग अपन के जुलाई तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक अपन पूरे देश में क्या मनाते हैं वन महोत्सव, क्योंकि जुलाई 15 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है मानसून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, यानी भारत लेवल का जो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून में, वो है आपके 1906 में बना देहरादून में। फिर अपन बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम, यानी वनों को संरक्षण करने के लिए जो कानून कब बना, नियम कब बना, एक्ट कब बना, तो वो बना 1980 से लागू, 1980 से वो लागू हुआ। भारतीय वन संरक्षण केंद्र कहाँ, यानी वनों का जो सर्वेक्षण केंद्र कहां पर है, यहां पर राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र था, यहां वन सर्वेक्षण केंद्र है, ये भी देहरादून है। वन सर्वेक्षण केंद्र और राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र दोनों देहरादून है, लेकिन वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में होती। अगली बात करते हैं केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहां पर है, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं काजरी, यानी काजरी कहां पर है, काजरी है आपके जोधपुर में, ये केंद्र सरकार का है जो अनुसंधान केंद्र है काजरी जोधपुर। फिर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है आपका सामुदायिक केंद्र है, ये है यूपी में झांसी स्थान पर, यूपी में कहां है झांसी स्थान पर। फिर अपन बात करते हैं जैसे वनों को बचाने के लिए, इसी प्रकार वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको बचाने के लिए दो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, एक था टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघों को बचाने के लिए, और बाघ राज्य अपन कहते हैं मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा बाघ भारत में कहां पर है मध्य प्रदेश में। तो अपन बात करते हैं जो बाघों को बचाने के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो किया गया था 1973 में, और एक हाथियों को बचाने के लिए भी एक एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो किया गया था 1992 में, कब किया गया था 1992 में। और राजस्थान में वर्तमान में जो बाघ परियोजना है वो वर्तमान में 3 बाघ परियोजना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद।